मोक्ष कामना हेतु जीवन के तारने हेतु भारतीय संस्कृति के अनुसार पुराणों के प्रचार हेतु भागवत पुराण की कथा हो रहा है। बड़े लोग सभी लोग तन मन धन से इस कथा का सहयोग करते हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप की बरामद। अमृतसर के थाना बी डिवीजन क्षेत्र में अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटों में सुलझाया, एक नाबालिग को किया गिरफ्तार। अमृतसर के थाना छरटा की पुलिस ने गत दिनों डिलीवरी बॉय से लूट करने वाले दो आरोपियों को किया काबू, एक 32 बोर की पिस्तौल, 5 जिंदा रौंद, 6800 रुपयों की नकदी और एक मोटरसाइकिल किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते अपने शहर और आसपास की हलचल पर। होशियारपुर के दसूहा मार्ग पर पड़ते गांव खिजरपुर में आई 20 कार ने एक नौजवान को बुरी तरह से कुचला, मौके पर ही हुई मौत। होशियारपुर के दसूहा हाजीपुर मुख्य सड़क पर एक पराली के गठरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक लगी आग, ट्रॉली जलकर हुई राख। और अब हलचल विस्तार से। होशियारपुर के दसूहा हाजीपुर मुख्य सड़क पर पड़ते गांव खिजरपुर में सुबह 7:30 बजे के करीब हाजीपुर की तरफ से आ रही हिमाचल नंबर की I-20 कार ने एक नौजवान को बुरी तरह से कुचल दिया, जिस कारण नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नौजवान का सर धड़ से अलग हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है। जानकारी देते हुए खिजरपुर निवासी महेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह 7:30 बजे नौजवान पवन सड़क पर स्थित किराने की दुकान से सामान लेकर सड़क पार कर रहा था, तभी हाजीपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार I-20 कार ने इस नौजवान को टक्कर मार दी, जिस कारण पवन की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त रही कि पवन की गर्दन धड़ से अलग हो गई। गांव वासियों का कहना है कि पवन के बड़े भाई की भी कुछ समय पहले सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। लोगों का कहना है कि पुलिस घटनास्थल पर 2.5 घंटे देरी से पहुंची। वहीं मौके पर पहुंची हाजीपुर पुलिस के ASI गुरविंदर सिंह का कहना है कि कार चालक मौके से फरार है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर स्थित सिविल हॉस्पिटल पहुंचाकर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। ਫਿਰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਚੋਂ ਰਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਿਜਰਪੁਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬੱਸ ਖੜੀ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਉਪਟੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਰੋਡ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸਪੀਡ ਜਾ ਰਹੀ, ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟਕਰਾਈ, ਉਹ ਖੰਭੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਜਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਮੋਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ? ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਸ ਡੇਢ ਦੋ ਪੌਣੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕ ਬੱਸ ਖੜੀ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ होशियारपुर के दसुहा हाजीपुर मुख्य सड़क पर पड़ते गांव खिजरपुर में एक पराली के गठरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट हो गया। इस बारे जानकारी देते हुए गांव खिजरपुर के लोगों ने बताया कि रोजाना दसुहा से तलवाड़ा इस तरह की 100 से ज्यादा ओवरलोड ट्रॉलियां गुजरती हैं जिस कारण पूरी सड़क घिरी रहती है। इस वजह से अन्य गाड़ियों को ओवरटेक करने में बहुत मुश्किल होती है, पर प्रशासन ये सब देखकर भी खामोश है। सुबह 11 बजे के करीब दसुहा की ओर से आ रही है ट्रॉली जब सड़क किनारे लगे ट्रांसफॉर्मर से टकराई तो इसमें आग लग गई। ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर को स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया, परंतु ट्रॉली सड़क के बीचों बीच पूरी तरह से धूं धूं कर चल गई। इलाका निवासियों ने आग बुझाने में बहुत मदद की, परंतु आग ज्यादा भड़कने के कारण कोई हल नहीं हुआ तो फायर ब्रिगेड को फोन किया, परंतु फायर ब्रिगेड भी लेट पहुंची। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इन ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसी जाए ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो। मेरा नाम हरजिंदर सिंह जी। हादसा अज सवेरे 11 बजे वो ट्रांसफार्मर के नाल ही ओवरटेक कर दिया गड्डिया ना ये गड्डी इधर हुई तो टिप्परा पास कर दिया ये ट्रांसफार्मर ना टच हो गया ट्रांसफार्मर टच नाल होने वाली उपर अग लग गई तो प्रशासन को बेनती है कि ये जिन्हें कम से कम 100-200 टिप्पर 100-200 ट्रैले जड़े है लद के जाते ओवरटेक करते एक दूजे इतने बहुत नुकसान है सवेरे इतने बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। लोकसभा हलका खडूर साहिब से टिकट मिलने के बाद पहली बार अपने हलके जीरा पहुंचे कुलबीर जीरा का शहरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। सुबह कुलबीर जीरा के गांव तलवंडी जले खां से एक बड़े कारवां के साथ शहर के लिए रवाना हुए। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ शहर पहुंचने पर कुलबीर जीरा का शहरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुलबीर जीरा ने कहा कि उनके दिवंगत पिता इंद्रजीत सिंह जीरा की सोच थी कि उन्हें श्री खडूर साहिब हलके से चुनाव लड़ना चाहिए जो एक पंथक हलका माना जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अब उन्हें टिकट दिया है तो उनकी पहली कोशिश हलका खडूर साहिब से पिछड़ा शब्द हटाने की होगी। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद वह सबसे पहले व्यापारियों और किसानों के हितों का ध्यान रखेंगे और खालड़ा में पाकिस्तान सीमा को खोलने का प्रयास करेंगे ताकि व्यापार को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि इसका समाधान करना उनकी जिम्मेदारी है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। मैं तो सब तो पहला गुरु साहब का कोटन कोट शुक्राना करना कि जिन्होंने क्योंकि 2014 तो मेरे पिता जी स्वर्गवासी जथेदार इंद्रजीत सिंह जीरा उन्होंने एक मन की इच्छा सी कि श्री खडूर साहब हलका एक पंथक हलका और उस हल्के तो जीरा परिवार इलेक्शन लड़े मैंबर पार्लीमेंट का अज पिता जी तो इस दुनिया च नहीं रहे पर अज मैं समुची कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड का धन्यवाद करदा कि अज चाहे 10 साल बाद उस इलाके की सेवा करन दा मौका मिले और मैं श्री खडूर साहब पार्लीमेंट के सारे ही वोटर भैन भरावां नूं सारे ही अपने साथियों इस गल का विश्वास दवाना कि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਓ। मजदूर दिवस के मौके पर जंडियाला गुरु के वाल्मीकि चौक पर आए मजदूरों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आज मजदूर दिवस की छुट्टी है लेकिन परिवार पालने की मजबूरी बनी हुई है और कुछ मजदूरों के कार्ड अभी तक नहीं बने हैं। उन्होंने बताया कि वे काम की तलाश में सुबह 7 बजे घर से आते हैं लेकिन कभी कभी जब उन्हें काम नहीं मिलता है तो वह खाली हाथ घर चले जाते हैं और उन्हें एक निश्चित स्थान दिया जाना चाहिए और पीने के पानी और छाया की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि श्रमिकों को लोगों की दुकानों के बाहर ना बैठना पड़े। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। अड्डे दे विच आए हां जी ते काम मजदूरी दा करीदा रोज कसे मिलदी आ सानू इदा मुड़ मड़ के चले जाईदा वा हां रजाला बहुत मुश्किल चलन रिया वा हां जी ते कार्ड बनया नहीं कार्ड नहीं बनया
कशिश ट्रेडिंग कंपनी हल्ला गुल्ला ब्रांच के हरिओम जिंदल ने अपने पिता स्वर्गीय श्री प्राणनाथ जिंदल की पांचवीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जिंदल परिवार की ओर से उपकार नगर जलंधर में अपनी कंपनी के ऑफिस के आगे लंगर लगाया। गौरतलब रहे कि जिंदल परिवार शुरू से ही विनय मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर हरिओम जिंदल, सुजल जिंदल, दीपक जिंदल, राकेश जिंदल, अजय गोयल, कुसुम जिंदल, कशिश जिंदल, रेखा जिंदल, अनुराधा अग्रवाल, नेहा गोयल, धर्मचंद जैन, सुधा जिंदल, मोना और प्रिया भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। श्री गौरी शंकर मंदिर ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी बस्ती पीरदास जालंधर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पांचवें दिन कथावाचक देवकी नंदन दास गोकल वालों ने भक्तों को कथा का रसपान करवाते हुए उपस्थित प्रभु भक्तों को दहेज की बुराई से बचने की अपील की। उन्होंने बताया कि अपने बेटों और बेटियों के विवाह में दहेज लेने और देने से बचें और दहेज की बुराई को खत्म करें। इस मौके पर पंडित राजकुमार तिवारी, चेतन भल्ला, पूजा, संदीप शारदा, ममता, सुषमा शर्मा, अमित कुमार सोम, पिंकी चंद्र गुप्ता, मोनिका कश्मीर सिंह, रमनजीत सिंह, परविंदर सिंह शूर सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित थे। जालंधर से हलचल के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मन का भाव क्या है वो जरा समझ चुकी है कि जो मेरे प्राणों का हरण कर रहे हैं ये कोई साधारण बालक नहीं है। जो प्राण दाता है वही प्राण हर सकते हैं और ये सबसे पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि हैं। ता पुत्रा ने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु मुझे इस लोक से और परलोक से दोनों से पार कर दो। दो बार कहने का मतलब यह है तो भगवान कहते हरि पूतना तू इस लोक में नहीं रहना चाहती, परलोक में नहीं जाना चाहती, तीसरा कौन सा लोक है जिसमें तू जाना चाहती है। तो पूतना ने कहा प्रभु आपका गोलोक धाम जहाँ पे एक बार पहुंच जाने पर वापस नहीं मुड़ना पड़ता, मुझे अपने गोलोक धाम में भेज दीजिए। श्री कष्ट निवारण बालाजी मंदिर शेखा बाजार जालंधर में एक शाम बालाजी के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में दीपक सरगमैन पार्टी और मंदिर की संकीर्तन मंडली ने बालाजी के भजन गाकर खूब समा बांधा। इस अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के महासचिव राजेश विज विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक समिति की ओर से राजेश विज और छोटी अयोध्या राम मंदिर के प्रधान राहुल टंडन को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स निरंतर अपने संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर सत्यपाल एवं एपीजे एजुकेशन एपीजे सत्या एंड स्वर्ण ग्रुप की अध्यक्ष एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी की चांसलर डॉक्टर सुषमा पाल बर्लिया के निर्देशन में एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में 3 सत्रों के 44वें दीक्षांत समारोह में 570 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई हैं। इसमें मुख्य अतिथि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह संधू उपस्थित हुए। दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य निर्मल महाजन एवं एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सुचरिता शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित हुए। अकेडमिक प्रोसेशन के साथ दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष तौर पे एपीजे एजुकेशन की अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा पाल बर्लिया की सफलता की दास्तां को डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से विद्यार्थियों को दिखाया गया। इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने के लिए सुषमा पाल बर्लिया ने वर्चुअली इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया। 44वें दीक्षांत समारोह में 43 विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान हासिल करने पर रोल ऑफ ऑनर्स एवं 570 विद्यार्थियों को डॉक्टर जसपाल सिंह संधू, निर्मल महाजन, डॉक्टर सुचारिता शर्मा एवं डॉक्टर नीरजा ढिंगरा ने डिग्रियां प्रदान की। इस पावन अवसर पर डॉक्टर जसपाल सिंह संधू को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। राष्ट्रगान के साथ दीक्षांत समारोह का समापन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। This field through high-end art exhibitions, workshops, cultural events, and youth festivals. To reaffirm the noble vision of our founder chairman, ACFA has always been and will always be committed to preserve and promote Indian art and culture. In the end, I once again welcome our worthy chief guest, Dr. Jaspal Singh Sandhu.